अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर सेल्फ एंड जो लखनऊ से मानस जायसवाल जी है सर, इज रियली अ ट्रू जेम फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स। जी मानस जी हैं, अभी आपके सवाल का जवाब वही देंगे, बताइए। हाँ सर, मैं मुझे दो दो चीज पे पूछना है। मेरे पास गेल है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 88 और मैं केम्स परचेस करना चाहता हूँ सर फॉर द टारगेट ऑफ 3000। तो ये दो क्वेश्चन है। और सर दूसरा, IEX के मैनेजमेंट को और गेल के मैनेजमेंट को हम लोग CNBC आवाज से बुला के करंट स्टेटस नहीं पूछ सकते सर? सर मैं आपको ये बता दूं, ऑन एयर ही बता दे रहा हूं मैं आपको, गेल को मल्टीपल रिक्वेस्ट में डाल चुका हूं, बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, बिजी होंगे या कोई और रीजन होगी। IEX को बोल सकते हैं? IEX को भी मैं बोलता हूं। मैं हमारी तरफ से, मैंने 1:30 बजे एक शो ही है मेरा जिसका नाम है KYC नो योर कंपनी, हम उस पर सबको रिक्वेस्ट डालते हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां खास तौर पे थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती हैं या उनको संकोच होता है या किसी भी कारण से वो नहीं आती हैं। ऑयल कंपनी जो मेरा सेक्टर है, सबको मैंने रिक्वेस्ट डाल रखी है, कोई आने को तैयार नहीं है। मैं फिर से गेल डलवाऊंगा। मोदी जी को एस्केलेट करो सर, मोदी जी को एस्केलेट करो। इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं मैनेजमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि लो, दर्शक जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, उस पर बात होनी चाहिए और IEX को भी कोशिश करेंगे। चलिए अब जवाब लेते हैं, गेल का जवाब दीजिए मानस पहले इनको। देखिए, पहले तो इतने अच्छे वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गेल की जहां तक बात है, देखिए गेल का जो हम मेन ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव है, क्योंकि वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर बॉटम हुआ है। पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी और वापस अपने स्टॉक अपने पिछले लोज 84-83.5 के आसपास आ गया है। मेरा समझना है कि जब तक 92-93 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश नहीं होगा। तो अगर आपके पास पोजिशन है तो आप 83 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। फ्रेश लॉन्ग की तैयारी आपको केवल 92 रुपए के ऊपर करनी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।